स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है योग और सनातन योग शिविर यही काम करता है। और इसी योग शिविर की 5वीं वर्षगांठ मनाते हुए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने कहा कि 27 मई 2018 को हमने ये प्रण लिया था कि आंधी हो या तूफान या फिर बरसात हो, लेकिन योग करते रहना है। देखिए, आज सनातन योग असली जो है 17 मई 2018 को शुरू हुई थी और इस प्रण के साथ कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हम रोज़ जो है योग जरूर करेंगे। ये निःशुल्क कक्षा है और आसपास के क्षेत्र के लगभग 125 से 150 लोग जो है लगातार इस योग कक्षा में आ रहे हैं। आज हमारा 5वीं वर्षगांठ थी और लगभग आप देख रहे हैं कि 400-450 लोग आज वर्किंग डे पे यहाँ पे आना, वो इस उत्साह को बताते हैं कि आज लोग कितने उत्साहित हैं और चाहते हैं कि ये जो सनातन योग असली आज प्रभु इच्छा से लगातार चल रही है वो हमेशा चलती रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे करें, हमारे बाद बच्चों के बच्चे भी करें, हम रहे ना रहें सनातन योग से रहनी चाहिए। इस भाव के साथ हमने भगवान शिव की आराधना की जिनको हम योग का आदि प्रवर्तक बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनको हम श्रेष्ठ योग साधक बोलते हैं उनको हमने याद किया, भगवान धन्वंतरी को याद किया, आज महामंडलेश्वर चेतना दीदी का आशीर्वाद लिया, डॉक्टर अशोक दिवाकर जी हमारे साथ थे, तो इस तरह से बहुत बड़े लोग समाज के जो है आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। देखिए, इस समय सनातन योग स्थली जो है 3 जगह चल रही है। पहली जो है हमारा जितेंद्र बहल पार्क न्यू कॉलोनी में चल रही है और अभी पिछले 20 तारीख को यानी कि अब लगभग 1 महीना होने जा रहा है हमने अर्जुन नगर में भी शुरू किया है और साथ में मदनपुरी में हनुमान मंदिर के सामने भी पार्क में सनातन योग स्थली। तो इस तरह से इस समय गुरुग्राम में जो है 3 सनातन योग स्थली चल रही हैं जो पूर्ण निःशुल्क हैं और आप आइए और आकर के आपको मैट वगैरह सब सुविधाएं आपको मिलती हैं और आप करके चले जाइए। सुख को स्थापित कर सकता है, स्वास्थ्य को स्थापित कर सकता है तो वो योग है और योग को जो है घर घर पहुँचाना है, जन जन पहुँचाना है और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी तो बोलते हैं वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व ही हमारा घर है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज सनातन योग शिविर को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आसपास के सैकड़ों लोग योग करने आते हैं। आज इस कक्षा की 5वीं वर्षगांठ पर 400 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और इस उत्साह को देखकर उनकी इच्छा है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। 5वीं वर्षगांठ पर महामंडलेश्वर चेतना दीदी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। सनातन योग अभी 3 जगहों पर चलाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि योग को घर घर तक पहुंचाया जा सके और इस योग को जन जन तक भी पहुंचाया जा सके, जिससे कि सबको स्वस्थ बनाया जा सके। मैं इस योग स्थली से स्थापना के समय से जुड़ा हुआ हूं और लगातार 5 साल से इस योग स्थली में मैं आ रहा हूं और लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि वो डेली आए यहाँ पे और घर से निकल के अगर आप सुबह जल्दी उठ के आते हैं तो ये भी अपने आप में योग है। अगर आपने समय से उठना सीख लिया, आपने अपना आलस त्याग दिया तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। देखिए, मैं तो उनमें से हूँ जिन लोगों ने सनातन योगस्थली की नींव डाली थी यहाँ पे, तो हमारी दिली इच्छा है कि पूरा गुड़गांव ही नहीं, पूरा हरियाणा, हर जगह एक योग स्थली ऐसी हो जहाँ कि सब लोग मिल के सामूहिक रूप से हर त्यौहार मनाएं और भाईचारे के साथ समाज को ये संदेश दे कि भाई देखो, एक साथ मिल के योग करो, स्वास्थ्य लाभ पाओ और हर तीज त्यौहार, हर सुख दुख आपस में भाईचारे के साथ मनाओ। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा की बात करें तो देखो, ये सनातन योग स्थली गुड़गांव और हरियाणा, यहाँ तक हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आज पूरा विश्व डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से इंस्पायर्ड है। इनके जो समाज के लिए दायित्व है, सो कॉल्ड जो इनकी जिम्मेवारियां हैं, वो आज बखूबी पूरा विश्व इसके ना मतलब क्या बोलते हैं उसको मानता है कि डॉक्टर साहब जथा नाम वथा गुण परमेश्वर होते हुए जन जागरण का काम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा शब्द नहीं है, मेरे पास हर शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। गौरतलब हो कि इस मौके पर महामंडलेश्वर चेतना दीदी का आशीर्वाद जगदीश ग्रोवर, अशोक दिवाकर, मोहित ग्रोवर, डीपी गोयल, रामलाल ग्रोवर आदि वरिष्ठ लोगों को प्राप्त हुआ और सभी लोग इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां मौजूद रहे। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। ब्यूरो रिपोर्ट,
द ग्राउंड न्यूज।